व्यस्त है, पूरा देश राहुल गांधी पर भरोसा करता है, पूरा देश ये महसूस कर रहा है कि राहुल गांधी सड़क पर निकला उनकी समस्याओं को लेकर, जो 4000 किलोमीटर की यात्रा बजाय 2500 किलोमीटर पैदल चलकर राहुल गांधी पूरे भारत को नाप चुके हैं, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग प्यार, अलग अलग प्रेम, अलग अलग दर्द, अलग अलग समस्या से रूबरू होकर राहुल गांधी ने ये साबित कर दिया कि कांग्रेस देश के लिए, देश की जनता के लिए सब कुछ करती है। खाचरे साहब, एक अहम सवाल ये कि निश्चित तौर पर 2300-2500 किलोमीटर का सफर यात्रा ने तय किया, आज 89वां दिन है, लेकिन इन सब के साथ में कांग्रेस का पहला साथ, कांग्रेस शासित प्रदेश है जब यात्रा राजस्थान से होकर के गुजर रही है, तो ऐसे में एक बड़े रिस्पॉन्स की उम्मीद और ज़्यादा की जा रही है। नो डाउट राजस्थान में भी रेस्पॉन्स है, पूरे देश में रेस्पॉन्स है, कर्नाटक, केरल, MP, महाराष्ट्र, कहाँ रेस्पॉन्स नहीं है, पूरे देश में, पूरा देश भरोसा करता है राहुल गांधी के ऊपर। कचरीवा साहब, आगे के रूट मैप को लेकर के एक अंतिम सवाल ये कि क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से और जो बेहतर कचरीवा। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सब आगे को लेकर के क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि राजस्थान में कोटा, ये जो यात्रा है वो कोटा से गुजरेगी, बूंदी, सवाई माधोपुर, दौसा, अलवर, सब जगह समर्थन देखने को मिलेगा आपको। आप ये मानकर चलना, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ लोग यात्रा की इंतजारी नहीं करते, लोग राहुल गांधी को देखना चाहते हैं और राहुल गांधी का जो चेहरा निखर उसने ये साबित कर दिया, वो राहुल गांधी जो देश की समस्याओं के लिए, देश में नफरत को ख़त्म करने के लिए और जो देश की सरकार जुल्म कर रही है, धोखा कर रही है, उसके विरुद्ध राहुल गांधी सड़क नाप रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं और ये तपस्या जनता को फायदा देगी, भारत को फायदा देगी, भारत को ताकत देगी। खाचरे साहब, हम देख रहे थे सुबह आप खुद राहुल गांधी से गुफ्तगू करते हुए नजर आ रहे थे, लंबी चर्चा आपकी हुई, वो तस्वीरें भी मैंने देखी, मोटे तौर पर किन किन सब्जेक्ट्स थे, को क्या क्या बिंदु थे जिन पर चर्चा रही? जब नेता से कोई भी कार्यकर्ता बात करता है तो पूरे प्रदेश, पूरे देश और राजस्थान को लेकर, जो भी राजस्थान की संस्कृति है, राजस्थान की जो धर्म और संस्कृति है, हम कैसे राजस्थान का इतिहास, उस पर बातचीत करना, राहुल गांधी खुद राजस्थान के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और राजस्थान में अभी आपको पता है यूरिया की प्रॉब्लम है बहुत ज़बरदस्त, उस प्रॉब्लम का कारण है केंद्र सरकार, तो केंद्र सरकार की क्या क्या प्रॉब्लम्स है जिसके कारण राजस्थान में दिक्कत, अभी तो किसान को बहुत दिक्कत है। नजरिया में साहब, इस यात्रा के साथ में कितने दिन का और जो सफर है वो आप तय करने वाले हैं, क्योंकि 17 दिन करीब ये रहने वाली है? मैं पूरे 17 दिन की नहीं कह रहा, लेकिन जो भी पार्टी का आदेश मिलता है वो करेंगे। तो प्रताप सिंह खाचरियाबास जो फिलहाल कह रहे हैं कि जो यात्रा है, यात्रा जो है उसे पूरा जो रिस्पांस है वो यहाँ पर मिल रहा है, और पूरे रिस्पांस के साथ में कोशिश यही कि जो ज़्यादा से ज़्यादा सफलता है इस यात्रा को मिले, ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं, CM अशोक गहलोत, देख सकते हैं आप, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फिलहाल जो है वो यात्रा से आगे बढ़ते हुए जो है वो नज़र आ रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ये तस्वीरें फिलहाल हमने दिखाई, आगे बढ़े हैं, आगे निकल गए हैं, देख सकते हैं आप। आपसे कुछ देर तक पहले हमने प्रताप सिंह खाचरियाबास से बात की, प्रताप सिंह खाचरियाबास का कहना है कि ना केवल राजस्थान बल्कि जिन जिन हिस्सों से यात्रा गुजर करके आई है, सभी जगह पर यात्रा को जो बड़ा रिस्पांस है वो रिस्पांस मिल रहा है, लगातार जो लोग हैं वो जुड़ रहे हैं, ज़्यादातर जो लोग हैं वो यात्रा के साथ में जुड़े हुए नज़र आ रहे हैं, लोग अपनी अपनी जो समस्याएं हैं उनके साथ में चर्चा करते हुए नज़र आ रहे हैं, लोगों की जो समस्याएं हैं वो यहाँ पर बता रहे हैं, और सीधे तौर पर जो कांग्रेस का मकसद है इस यात्रा के साथ में वो यहाँ पर हल होता हुआ नज़र आ रहा है। तो कह सकते हैं ये तस्वीरें भव्य कांग्रेस के लिहाज से, जो उम्मीद जिस तरह से रिस्पांस की लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरह से नहरडी से यात्रा ने अपना जो सफ़र है उसकी शुरुआत की, उसके साथ में जहां चंद्रभागा चौराहे तक इस यात्रा को पहुंचना है वहां तक लगातार जो लोगों की भीड़ है वो सड़कों के दोनों किनारों पर खड़ी होकर के हाथों में तिरंगे झंडे, NSUI के जो झंडे हैं, भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े हुए जो झंडे हैं, बैनर्स हैं, उनके साथ में यात्रा का जो वेलकम है वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ऐसे में देखने में आ रहा है कि जहां से भी लोगों की भीड़ होती है वहां पर लोगों के बीच राहुल गांधी अभिवादन करते हैं, उन हाथ हिला करके जो है वो अभिवादन कर रहे हैं, और कहीं कहीं पर जो लोग हैं उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं, उनकी बातों को भी सुन रहे हैं, उनकी समस्याओं को भी सुन रहे हैं। जी।
बिल्कुल हिमांशु, राहुल गांधी भी लोगों का अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ जो लोग हैं वो भी उनकी यात्रा का भव्य स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें यहाँ पर साफ तौर पर बयां कर रही हैं क्योंकि बड़ी संख्या में लोग जो है वो इस यात्रा को समर्थन दे रहे हैं, यात्रा में शामिल हो रहे हैं। अब ऐसे में हिमांशु, ये जो जगह है झालावाड़ जो जगह है और झौरापाटन अगर बात की जाए तो जो पूर्व सीएम है वसुंधरा राजे उनका गढ़ है। बीजेपी के लिए चिंता वाली बात हो जाती है क्योंकि अगर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के गढ़ में अगर राहुल गांधी की यात्रा को इतनी बड़ी संख्या में समर्थन मिल रहा है तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए यह चिंता वाली बात है। चले तो ये और भी अद्भुत तस्वीरें जो हैं वो यहाँ पर यात्रा से निकलकर सामने आ रही हैं जहाँ पर पारंपरिक और जो यहाँ पर सांस्कृतिक नृत्य जो है वो भी इस रैली में शामिल हैं। जो लोग यहाँ पर आपको बता दें कि कलाकार हैं वो भी इस रैली में शामिल हो रहे हैं और अपना जो समर्थन है वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को देते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर राहुल गांधी जहाँ जहाँ से गुजर रहे हैं वहाँ वहाँ के लोगों को अभिनंदन देते हुए उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हुए वो यहाँ पर गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही हमने यहाँ पर जो है प्रताप सिंह खाचरवास से भी बात की है, मंत्री प्रताप सिंह खाचरवास, तो उनका यही कहना है कि न सिर्फ प्रदेश में बल्कि जहां जहां से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गुजरी है वहां पर लोगों ने बहुत प्यार दिया है और जितना उम्मीद की जा रही है उससे ज्यादा समर्थन यहां पर लोगों का मिल रहा है। तो ऐसे में अपने आप में जो राहुल गांधी की जो यात्रा है वो सफल बनती हुई यहां पर नजर आ रही है और बेहद खास ये तस्वीरें, बेहद महत्वपूर्ण ये तस्वीरें जो है आपको दिखा रहे हैं झालावाड़ के, झालावाड़ से ये तस्वीरें हैं और दूसरे फेज की जो यात्रा है राहुल गांधी की वो शुरू हो चुकी है लंच ब्रेक के बाद से और यात्रा गुजरती हुई चंद्रभागा यहां पर पहुंचने वाली है और उसके बाद और भी यात्रा जो है वो अन्य जिलों में प्रवेश करेगी और इसके साथ ही उम्मीद यही है। और इससे पहले भी यात्रा के राजस्थान में प्रवेश करने से पहले भी प्रदेश कांग्रेस की तरफ से लोगों से ये आह्वान किया गया था कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस यात्रा से जुड़े और जिस तरीके से देश भर में जो यहाँ पर बेरोजगारी फैली हुई है, देश भर में जिस तरीके से महंगाई यहाँ पर बढ़ी हुई है और जिस तरीके से केंद्रीय एजेंसियों की जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाने हुए और उसके विरोध में ये यात्रा यहाँ पर निकाली जा रही है और ऐसे में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के साथ मिलकर उसमें शामिल होकर समर्थन देने की अपील यहाँ पर की गई थी और वो जो अपील है वो कहीं ना कहीं सार्थक होती भी यहाँ पर नजर आ रही है क्योंकि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस कदर जो लोगों की यहाँ पर सैलाब है वो यहाँ पर उबर पड़ा है, किस कदर जो लोग हैं वो इस यात्रा को अपना समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। तो झालरापाटन के चंद्रभागा तक ये जो यात्रा है वो यहाँ पर पहुंचेगी दूसरे फेज में और राहुल गांधी के साथ साथ प्रदेश भर से तमाम जो जितने भी मंत्री और जितने भी नेता है कार्यकर्ता है वो बड़ी संख्या में इस यात्रा में शामिल हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीएम अशोक गहलोत भी इस यात्रा में शामिल हुए, काफी देर तक वो काफी किलोमीटर तक यहाँ पर पैदल राहुल गांधी के साथ चले और उसके बाद अब जो है वो यहाँ पर सीएम अपने काफिले के साथ आगे निकले हैं लेकिन तमाम जो यहाँ पर मंत्री हैं प्रदेश के वो इस यात्रा में शामिल हैं और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर राहुल गांधी कुछ छात्राओं के साथ बात करते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ स्कूली छात्राएं जो हैं वो तस्वीरों में नजर आ रही हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनकी क्या कुछ समस्याएं हैं वो यहाँ पर राहुल गांधी जान रहे हैं। और ऐसे ही आपको बता दें कि इस यात्रा भर में राहुल गांधी जहाँ जहाँ रुके हैं और जहाँ जहाँ यात्रा में लोगों से उन्होंने मुलाकात की है वो सभी से उनकी परेशानियों उन्होंने जानी है, उनसे बातचीत की है और क्या कुछ समस्याएं उनके जीवन में आ रही हैं उसको लेकर उन्होंने जरूर उनकी बातें सुनी हैं और उन समस्याओं को दूर करने की कोशिश यहां पर लगातार उनकी तरफ से की जा रही है।
तो आपको ये हम रूट भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से झालावाड़ में, आपको बता दें कि जो यात्रा प्रवेश हुई और उसके बाद झालावाड़ में ये यात्रा जो है वो गुजरती हुई कोटा में एंटर करने वाली है। और आज आपको बता दें कि झालावाड़ में दूसरे फेज की जो यात्रा है वो शुरू हो चुकी है और उसके बाद कोटा, ये कोटा जिले में यात्रा प्रवेश करेगी और उसके बाद कोटा दक्षिण होते हुए ये जो यात्रा है वो गुजरते हुए यहाँ पर और भी कई जगहों से होती हुई, जैसे कि रामगंज मंडी की अगर बात की जाए तो रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र में यात्रा जाएगी और उसके बाद बूंदी जिले में ये यात्रा जो है वो प्रवेश करने जा रही है और उसके बाद बूंदी से होते हुए टोंक जिले में ये यात्रा प्रवेश करेगी और टोंक के कुछ विधानसभा क्षेत्रों से होते हुए ये यात्रा सवाई माधोपुर पहुंचेगी और उसके बाद सवाई माधोपुर के बाद ये जो यात्रा है वो दौसा में लालसोट और सिकराय होते हुए बांदीकुई में ये यात्रा प्रवेश करेगी। उसके बाद बांदीकुई से होते हुए ये जो यात्रा है वो यहाँ पर अलवर के ग्रामीण क्षेत्रों में जाएगी, ग्रामीण क्षेत्रों में कई यहाँ पर गांव से होते हुए और अलवर पहुंचने वाली है यात्रा और अलवर जो है वो आखिरी जिला राजस्थान का होगा और उसके बाद हरियाणा में प्रवेश करने जाएगी ये यात्रा। तो ये पूरा रूट जो है वो हम आपको यहाँ पर ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा जो है वो पहली बार, राजस्थान जो है वो पहला ऐसा राज्य है जो कि कांग्रेस शासित जो राज्य है यहाँ पर, और उसमें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो है वो पहली बार यहाँ पर आई है। अब ऐसे में कांग्रेस शासित प्रदेश होने के चलते उसके नाते यहाँ पर जो है जोरदार रिस्पांस यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से तमाम नागरिक जो है वो यहाँ पर जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं इस यात्रा से। अगर बात की जाए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तो कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरी तरीके से इसमें सम्मिलित हैं और केंद्र सरकार की तरफ से जो उनकी जो नीतियां हैं, जो नागरिकों के विरोध में जो चीजें यहां पर चल रही हैं, जिसे आमजन परेशान है, जिसे देश का आवाम परेशान है, उसके खिलाफ ये यात्रा राहुल गांधी की तरफ से निकाली जा रही है। वैसे में राहुल गांधी का कहना यही है कि उनकी कोशिश है कि जो भी समस्याएं यहाँ पर लोगों की हैं वो यहाँ पर केंद्र तक पहुँचाए और केंद्र की तरफ से यहाँ पर इन समस्याओं पर ध्यान दिया जाए और उन समस्याओं का हल किया जाए। इसके साथ ही आपको बता दें कि कल राहुल गांधी ने ये भी कहा बातों बातों में कि वो बीजेपी और आरएसएस से नफरत नहीं करते हैं, बल्कि जो लोग और जिस तरीके का डर बीजेपी और आरएसएस ने पूरे देश में फैला रखा है वो उस डर को दूर करना चाहते हैं। तो उस तरीके के कुछ यहाँ पर राहुल गांधी ने संबोधन में कहा और इसके साथ ही उनकी तरफ से ये कहा गया कि भले ही वो मध्य प्रदेश से यहाँ पर आने पर, मध्य प्रदेश से दूर होने पर दुखी हैं, लेकिन राजस्थान में प्रवेश करने की और राजस्थान में आने की, वीरों की धरती पर आने की जो है वो खुशी उन्हें और ज्यादा है। तो ये बेहद खास और अद्भुत तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर राहुल गांधी स्कूली छात्राओं की तरफ से भी यहाँ पर कुछ परफॉर्मेंसेस दी जा रही हैं, जिसे राहुल गांधी रुककर देखते हुए नजर आ रहे हैं। और कुछ ऐसी तरीके की तस्वीरें कल शाम भी देखने को मिली थी जब मंच पर राहुल गांधी की यात्रा का भव्य स्वागत किया गया था और उस समारोह में सहरिया जनजाति आदिवासी जो समुदाय है उनकी तरफ से उनका आदिवासी नृत्य जो है वो पेश किया गया था और उस वक्त राहुल गांधी खुद को भी नहीं रोक पाए थे। राहुल गांधी इसके साथ साथ कमलनाथ और यहां पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट जो है वो नृत्य करते हुए नजर आए थे, एक दूसरे का हाथ पकड़े वो डांस करते हुए मंच पर नजर आए थे। तो अपने आप में बहुत खास वो तस्वीरें थी और उसके बाद अब भी ये जो है बेहद खास तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, बेहद महत्वपूर्ण ये तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि दूसरे फेज की जो यात्रा है वो चंद्रभागा तक पहुंचकर यहाँ पर उसके बाद शाम 6 बजे के बाद राहुल गांधी जो है वो विश्राम करेंगे और फिर उसके बाद कल दूसरे दिन की उनकी जो यात्रा है वो शुरू होगी। झालावाड़ से ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर राहुल गांधी यात्रा में
यात्रा का जो है यहाँ पर नेतृत्व करते हुए, और इसके साथ ही बीच बीच में वो रुककर यहाँ पर जिस तरीके से वहाँ के स्थानीय लोगों की तरफ से जो प्रस्तुतियाँ यहाँ पर दी जा रही है, और इसके साथ ही स्थानीय लोगों से भी मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और उनकी समस्याओं का किस तरीके से हल हो सके उसकी भी कोशिश लगातार उनकी तरफ से की जा रही है। और चलिए यारों का एक छोटे से ब्रेक के लिए। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।